सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों ने सिंचन द मूवी एलियन शिरीरी, जो मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, उसके लास्ट पार्ट में देखा था कि सिंचन कोशिश कर रहा था कि उसके फ्रेंड्स को शिरीरी के बारे में ना पता चले, बट वो काफ़ी ज़्यादा गंदी एक्टिंग कर रहा होता है शिरीरी को छुपाने की, एंड उससे उसके फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में आइडिया लगने लग जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरी एक्टिंग, इतनी बुरी एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी। सो इस एक्टिंग के बीच में जो शिरीरी होता है वो कहता है कि तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तो देन हम सभी लोगों को देखता है कि शिवी ने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर डाला, ये अपनी आवाज़ को उन सभी लोगों के सामने दिखा के कि वो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है उसके बटवे सिंचन के। एंड देन तभी वहाँ पे जो कजामा था वो कहता है तुम किससे बात कर रहे हो, मेरे को पता है तुमने कुछ ना कुछ अजीब सी सी चीज़ वहाँ पे छुपा रखी होगी, एंड तुम खुद से बात कर रहे हो या वहाँ पे कुछ है, ऐसा कजामा सिंचन से पूछता है। एंड देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि कजामा सिंचन से कहता है कि मेरे को दिखाओ वहाँ क्या है, तो फिर सिंचन कहता है कि मैं अपनी बर्थ पब्लिक में नहीं दिखा सकता। एंड देन कजामा कहता है कि तुम उसे हमेशा दिखाते हो, बट गाइस जैसे ही कजामा आगे बढ़ता है तो फिर सिंचन एक फाट कर देता है, एंड उस फाट की बदबू से जो हमारा जो शरीरी होता है उसे सिंचन के बट्स के में बाहर आना पड़ता है, एंड सबके सामने जो शरीरी होता है वो एक्सपोज हो जाता है। एंड जैसा आप सभी लोगों को पता है कि साइड में कासुकाबे न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्टर खड़ी हुई थी, एंड वो इस सब को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर देती है, एंड काफ़ी ज़्यादा ये जो चीज़ होती है वो वायरल हो चुकी होती है। एंड देन तभी हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि सिंचन और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो शिरीरी और उस सिंचन के मॉम डैड को एक सेफ जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पे वो उन सभी लोगों को दोबारा ना देख सके, एंड वो सभी लोग वहाँ पे जाके इस बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। एंड तभी वहाँ पे सिंचन कहता है कि जो कुछ भी मेरे बट में है वो एक एलियन है। एंड देन हमें बताया जाता है कि कजामा कहता है कि मैं एलियंस पे विश्वास नहीं करता, एंड तभी शिरीरी कजामा के सामने अपना मुँह दे देता है और कहता है अब बताओ क्या तुम्हें एलियंस पर विश्वास है या नहीं। एंड तभी कजामा कहता है कि एलियंस इंसाइक्लोपीडिया में रेफर्ड नहीं होते तो ये हो ही नहीं सकते। एंड देन उसके बाद हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि जो हिरोशी होता है वो सभी लोगों से पूछता है कि क्या तुम सभी लोग इस चीज़ को एक सीक्रेट रख सकते हो कि हमारे पास एक एलियन है। एंड देन तभी हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि वो सभी लोग कहते हैं हाँ हम इसे एक सीक्रेट रखेंगे। एंड तभी वहाँ पे कजामा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब नज़रों से हिरोशी को देख रहा होता है, एंड मसाओ पूछता है कि क्या आप ही सिंचन के डैड हो। एंड देन उसके बाद हिरोशी कहता है कि हाँ मैं 35 ईयर्स का आदमी हूँ जो कि अकीटा से आया हूँ। एंड देन तभी हम सभी लोगों को सिंचन की मॉम की एंट्री दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है क्योंकि नैनी ने उन्हें सजा दजा दिया होता है। एंड देन तभी हम सभी लोगों को एक अजीब सा आदमी अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ दिखाया जाता है जो कि उस इंसिडेंट के बारे में सर्च कर रहा होता है जो अभी अभी हुआ, जिसमें शिरीरी कासुकाबे के सामने एक्सपोज हो गया था। एंड सभी लोगों को पता चल गया था कि कासुकाबे में कोई एलियन आ चुका है। एंड तभी हम सभी लोगों को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि जो हिरोशी होता है वो टिकट्स बुक कर रहा होता है ट्रेन के लिए। एंड ट्रेन के लिए टिकट्स बुक करते हुए वहाँ पे हम सभी लोगों को हिरोशी कहता है कि 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों की टिकट्स चाहिए, बट जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हिरोशी तो अब बच्चा हो गया, तो फिर वो जो टिकट काउंटर वाला आदमी होता है वो समझ नहीं पाता आखिर ये एडल्ट्स क्यों बोल रहे हैं। एंड तभी वहाँ पे सिंचन आ जाता है और कहता है कि हमें एक एलियन के भी टिकट चाहिए। तभी हिरोशी सिंचन का मुंह दबाता है और कहता है कि इसे एलियन के लिए नहीं, इसका मतलब डॉग से था, एलियन से नहीं। एंड तभी हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो टिकट काउंटर वाला होता है वो बच्चों के जो स्पेशल कंपाउंड होता है ट्रेन में वो वाला कंपाउंड हम सभी लोगों को दे देता है जो कि पूरी तरीके से खाली होता है। एंड तभी वहाँ पे हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वहाँ पे जाके बैठने लग जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। एंड हिरोशी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डिनर है, सुशी थी, फैंसी वैरायटी बॉक्स था लंच का, एंड बीफ टंग थी। एंड तभी वो सभी लोग लंच करने लग जाते हैं क्योंकि लंच का टाइम हो जाता है। एंड तभी हम सभी लोगों को एक अजीब सी सी औरत उसी कंपाउंड में बैठी हुई दिखाई जाती है, दो ये एक अडल्ट है तो फिर इसका इस चिल्ड्रन कंपाउंड में बैठा होना काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है। एंड इसका कोई ना कोई लिंक तो शायद उन लोगों से है जिन्होंने शिरीरी का ब्रेसलेट चुराया था। यस, जो मैंने आपसे लोगों को फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि शिरीरी का ब्रेसलेट किसी ने चुरा लिया था। एंड देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि वो सभी लोग जब अपना लंच कर रहे होते हैं तो शिरीरी भी अपना लंच करने की सोचता है, एंड वो कोई काफ़ी ज़्यादा अजीब सी सी कैप्सूल निकालता है जिसके अंदर कुछ लिक्विड होता है, एंड कहता है कि एक नार्स पैडी का स्पेस रेशन है, इसके अंदर सारे के सारे जो विटामिन है जो तुम्हें चाहिए वो मौजूद हैं, एंड सारी की सारी कैलोरीज जो भी तुम्हें चाहिए वो मौजूद हैं, कोई भी इसके अंदर चीज़ बुरी नहीं है तो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड देन तभी वहाँ पे जो सिंचन होता है वो शरीर से उससे वो छीन के पूरा का पूरा पी जाता है।
एंड तभी वहाँ पर जो शिरीरी होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है सिंचन पे, क्योंकि वो उसका लास्ट स्पेस रेशन था एंड वो उसे पूरा का पूरा पी गया। एंड देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि जो सिंचन होता है वो कि तुम आखिर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। एंड देन वहाँ पे सभी लोग शिरीरी से माफ़ी मांगने के लिए कि जो चीज़ सिंचन ने की है उसके लिए, शिरीरी से माफ़ी मांगने के लिए सभी लोग अपने अपने लंच में से थोड़ा थोड़ा शिरीरी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। पर शिरीरी मना कर देता है और कहता है कि मेरे फादर का रूल नंबर 19 है कि जो अर्थ के लोगों से है उनसे कुछ भी एक्सेप्ट मत लेना, खास करके खाने के आइटम। बट कैसे भी करके सिंचन ने आखिर वो गलती की थी, तो फिर सिंचन को ही शिरीरी को मनाना था। और हमारा जो सिंचन है वो लोगों को मनाने में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो फिर वो शिरीरी को कैसे भी करके मना लेता है। एंड शिरीरी वो जो लंच होता है वो उन सभी लोगों से ले लेता है और उसे वो लोग सोया सॉस भी देते हैं, जिसे खा के वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रफ़ है, हम अर्थ से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। बट सभी में बाद में पता चल जाता है कि शिरीरी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो फिर सिंचन की मम उसे और भी ज़्यादा सोया सॉस देती है। एंड देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि जो मित्सी होती है वो शिरीरी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे डैड यहाँ क्यों नहीं आए। एंड देन तभी शिरीरी बोलता है कि मेरे डैड काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं इस पूरी दुनिया को, इस पूरी यूनिवर्स को एक पीसफुल और सेफ जगह बनाने में, वो अर्थ को भी एक पीसफुल और सेफ जगह बना देंगे। हमारा जो प्लैनेट नार्स पैडी है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व करता है कि वैसे इंसान हमारे प्लैनेट पर रहते हैं। एंड देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि जो नोहारा फैमिली और सिंचन है वो अपने सफ़र पर अब आगे जा रहे हैं, देखते हैं कि आगे के पार्ट्स में क्या होता है। अगर आप सभी लोगों को देखना है तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलता हूँ आप सभी लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। भाई कसम से, मतलब यहाँ पे जो इसने एक्टिंग की है ना सिंचन ने, वो तो चलो ठीक थी, पर पीछे से जो हमारे नार्स पैडिलिंग ने जो बोला है कि पागल इंसान ये कैसे एक्टिंग कर रहा है, मतलब सिंचन का तो ठीक था, पहले लग रहा था भाई पादरा है, नहीं भाई हक दिया।